आज रंग हरी माँ रंग हरी आज रंग है मोरे जोबन पे जोबन आया मोहे पिया बेलन रुत मन भायो मुआ जग बैरी का है संग हरी आज रंग है। तुझे पता है ना अभी कि जो चाहे इस घर से भाग सकता है। मेरे प्रोफेसर बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का मसला है भाई। निकल बाहर, चल निकल। तुझे मैं ठीक करती, मेरा भी सवाल चलाती रह रहा। तू तू है सैद, मार पड़ेगी तुझे। किसी ने मारा इसे मार पड़ेगी। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल याद है। और अब वहां वो गंदी गांव रह रही है। वो समझता है कि मैं बुजदिल हूं, मैं बुजदिल हूं और तू मुझे पागल बना लेगी। हाँ यही समझता है वो। तू मुझे पागल नहीं बना सकती, नहीं बना सकती तू मुझे पागल। पागल नहीं हूं मैं, शेर हूं, शेर। ओ चाचा जाक, शेर हूं मैं। हो गया राणा बीबी नू, हाय कोई वेखे, राणा बीबी आंखें खोलो, काला बतूल आपी। राणा बीबी दूध पी लें। तुझे चोट कैसे लगी है? गिर गई थी, बेड का कोना लगा है। हमारे घर में भी जब भी भाभी को बेड का कोना लगता है ना, तो दूध और हल्दी मैं ही बना के देती हूँ। हाँ जी निसादा, चल जा, जाके देख कर आ फरीद का है। मैंने नजीर फातिमा की बात करनी है उससे। वो तो जी बड़े निया के कमरे में बंद है उस वक्त से। किस वक्त से? Thank you.
आजा आजा अभी आजा आजा। पट्टी कर गया डॉक्टर? कर गया। नहीं बर्दाश्त होता मुझे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। ये यहां इतने आराम से बैठी रहे, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मर जाती फिर। ये साजदा बिल्कीस, ये सारी अपनी जगह, पर नस्ल तो इसी से चलनी है ना। ध्यान रखा कर। जब जीजी याद आती है ना तो सब कुछ भूल जाता हूं मैं, कुछ याद नहीं रहता मुझे। अब आसिया को तंग नहीं करना, हरज होता है उसका, बस पढ़ने दे उसे। पढ़े, मैंने कब मना किया कि वो ना पढ़े? जितना जी चाहता है पढ़े, वो सबसे ज्यादा पढ़ जाए, इतना पढ़ जाए कि चाचा इंसान सोचता रह जाए। अब्बा जी को मौत ने हरा दिया, ना चाचे इस हाक की क्या मजाल थी। खाने वाला डॉक्टर है ना, उसे बुलाया था। मैं तो वो चाहती हूँ कि जी मीठा भी कहीं काम पे लग जाए। तो जा बाबा दे। ठीक है जी, सलाम अलैकुम। नजीर फातिमा, गुले राना, तू सोई नहीं? सोने के दिन तो तेरे हैं खाला। तौबा कर तौबा। खाना किसके लिए ले जा रही है? ये अपने लिए ले जा रही। क्यों? अब तूने हवेली को छोड़ के बोर्ड पे रहना शुरू कर दिया? क्या कह रही है तू? अच्छा काम है। वैसे एक बात बताऊं, सैद की दुआ बड़ी लगती है। कहता था उसने मारा है, उसे मार पड़ेगी। देखा कैसी मार पड़ी है। तुझे रब का वास्ता है, तुझे रब का वास्ता है, साजदा किसी से कुछ ना कहे। मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन लेकिन क्या? बाजी आप कल चली जाएंगी? हाँ, आप जी तो पीछे से बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। क्यों? भाई फरीद और राणा भाभी हैं ना। मियां फरीद नहीं जा रहे? पहले तो जा रहे थे ना आपके साथ। नहीं, इतनी जिम्मेदारियां जो हैं उस पे। चलो अच्छा ही है। बाजी ये वाला जोड़ा भी रख दो। हाँ रख दो।
राणा बीबी को बड़ी चोट लगी है, आपने नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं गई उनके पास। जाना भी ना, बहुत गुस्से में लग रही है। मुझे तो लगता है मियां फरीद ने मारा है। चलो अच्छा ही है, बड़े मियां की एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, आप मीम बन जाएंगी। ये वाला जोड़ा भी ऊपर ही रखना ताकि मिल जाए मुझे। वली मोहम्मद। खाला। वली मोहम्मद, उस साजदा ने उसे सब पता लग गया। क्या पता लग गया? सैद वाली बात का। ओए, मैं ना ये रोटी बन रही थी, तुझे दूंगी, सैद को जाके दिया। वो मनाऊस उधर आ गई, कहने लगी कि सैद की दुआ में बड़ा असर है। और क्या कहा उसने? और तो कुछ नहीं कहा, पर है बड़ी, जाके सबको बताएगी वो। हाला तू ऐसा कर, इससे पहले कि वो तुझे नुकसान पहुंचाए, तू उसको निकाल दे वहां से। मैं बुढ़ी खुड्डी उसको कहां निकलवाने वाली, उसने तो निक्के मियां को काबू में किया हुआ। अच्छा चल छोड़, तू ले जा, मेरा बच्चा सवेर से भूखा होगा, जहां से दे आया। अच्छा पार्टी के कुछ लोग तंग कर रहे हैं आप ही, मैं सोच रहा था कि उनको सीधा कर दूं। भाई राणा को मारा? तुझे किसने कहा है? उसे छोड़ दो। लेकिन ऐसे मारना? कैसे छोड़ दूं उसे? मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो हमारी जीजी को छोड़ देंगे, फिर क्या करेगी जीजी? सारी जिंदगी दीवारों से टकराएगी। ये तो पागल है, क्यों आए जीजी इस घर में? अल्लाह उसके सुहाग को सलामत रखे। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है आपी। तूने तैयारी कर ली? हाँ कर ली है, और इस बार मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मैं जीजी से मिलूं। तू जीजी से मिलने नहीं जाएगी, तुझे कसम है मेरी जान की। हाय क्यों? बस हमें अपनी हवेली बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो बहादुर हैं, अपनी बेटी यहां छोड़कर मुतमईन हैं, और हम कमजोर हैं, हमें खौफ है, इसलिए हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। और ये जो तेरा प्रोफेसर है ना, ये जो कुछ तुझे समझा रहा है आजकल, भूल जा वो बातें। अब्बा जी ने भलाई की तब भी चाचा ने दुश्मनी दिखाई, अब अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे मरे हुए बाप की बेइज्जती होगी। तू चाहती है हमारे बाप की बेइज्जती हो? तू समझाती क्यों नहीं है उसे? आप I'm
मन मेरा घबराए, कोई यह समझाए मुझे कुछ भी समझ ना आए, समझ ना आए, कहे मन मेरा घबराए, कोई यह समझाए मुझे कुछ भी समझ ना आए, समझ ना आए, मुझे कुछ भी समझ ना बतूल, बतूल, आप राणा बीबी, आप अकेली सोती हो? सरदा कहाँ है? कहाँ होना है जी, उसने उसे आराम कहाँ है? सारी हवेली को पता है कहाँ होती है वो इस वक्त। काम भी तुम अकेली करती हो ना, और उसका काम इधर उधर फिरना। क्या करूं जी, वो जवान कुड़ी, मैं बुढ़ी ठुड्डी, करना तो पड़ता ही है ना। सुबह मिलो मुझसे आके, जरूरी काम है तुमसे। जी बीबी, आ जाऊंगी। ये चक्की कौन पीसता है? कोई, जैसे रातों को नींद नहीं आती। साजदा, साजदा। मिलना सुबह आके मुझे। जी। कितना अच्छा है तुम्हारा भाई, मुझे तो उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। तुम बिल्कुल चाचा इसाक की तरह हो। कितनी बुरी बात है को अपनी बीवी को इस तरह मारे। तुम तो पढ़ी लिखी हो समरा। पढ़े लिखे होने से क्या होता है यार, पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, उसे गुस्सा आया उसने मारा, सिंपल। नो, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरा तो जरा दिल नहीं चाहता वापस जाने का। घुटन है,
वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। पागल हो तुम, इतना प्यार करता है तुम्हारा भाई तुमसे, इतनी आजादी दे रखी है, फिर कैसे घुटन? घुटन तो घुटन होती है समरा, सिर्फ खुली हवा में सांस लेने से कम होती है, प्यार ऑक्सीजन का नेवल बदल तो नहीं होता ना। कहाँ जा रही हो? सर ने बुलाया था। ये कैसे घुटन है? या अल्लाह जी, अल्लाह रसूल की उम्र से नहीं मरना चाहिए, अल्लाह रसूल को नहीं मरना चाहिए था या अल्लाह जी। मैं तुझी हवेली के पिंडार का ना चूहा हूँ, मेरी क्या औकात है? सबको नजर आ रहा है जी हवेली में क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसे होने दे, बस किसी तरह आज तू साजिदा को आने से रोक लेना। मैं कैसे रोकूं जी, पिछल पैरी है टैन, सुरमा लगा के रोज निकल जाती है रात को, डाले हुए उसने निक्के मियाँ को। सिर्फ आज की रात तू उसे आने से रोक ले, उसके तावीजों का तोड़ है मेरे पास। तौबा तौबा तौबा, ऐसी कुड़ी, इतने दिन हो गए हैं निक्के मियाँ ने इधर पैर ही नहीं रखा। कैसे रोकेगी उसे आने से? मैंने ना जी बाहर से कुंडा लगा के जंदरा मार देना है। उसे पता नहीं चलना चाहिए तूने उसे आने से रोका है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। चूहों को भिंडार के सारे रास्ते मालूम होते हैं, वो जानते हैं कौन जहर से मरेगा और कौन गुड़ से। गुड़ से मिठा इशक होता है बीबी, और इशक से ज्यादा कोड़ा कौन सा जहर होगा।
भी सोचती थी कि प्यो ने दुश्मनों को तीर दे कैसे दी। पता था ना उसे तीर किसकी, असाक मलकाड़े की। आहो पर ओ पैड़ी मना उस साजदा कोड़ी की नकरानी है। चल ये तो तेरे लिए अच्छा हो गया कि वो पहले ही साजदा की दुश्मन थी, तेरे बच निकलने के रास्ते ज्यादा हैं अब। पर मैं उस चंडालनी को रोकूंगी कैसे, वो तो डैन है पूरी। रात को आई मेरे पास, एक चीज दूंगा तुझे, और डैन तो क्या तो बड़े बड़े पहलवान भी ठीक हो जाते हैं। क्या चीज है? हवेली की बीमारियां रातों को जागती हैं, उनके इलाज भी रातों को होते हैं। रात को आई। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना आप ही कि मैंने बुरका बुर्जी की छत पे फेंक दी, मैं अभी यहां से नहीं जाऊंगी। अच्छा बस अब आप मुझ पर एक एहसान कर दें, फरीद के लिए खाना मुझे बनाने दें। नहीं, जैसे चीजें हो रही हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। आप जानती हैं ना कि साजिदा, तो ये कौन सी नई बात है, ये रिवाज है, ये रीत। तो फिर एक रीत मुझे भी निभाने दे, फरीद के लिए खाना पकाने दे मुझे, ये समझे कि मैं नजीर फातिमा हूं आपकी जीजी। मैं मानती हूं उस दिन बावर्ची खाने में आपकी इजाजत के बगैर चली गई, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप खुद मुझे इजाजत दें। पका ले पर जो मैं रात को तो नहीं पकाएगी। साईं जी से दुआ कराई थी, वो घर गई ना तो मेरी सास कलेजा पकड़े बैठी थी। अब खैर से नजराने की मिठी रोटी लेके आई हूँ, वो तुम लोग भी दुआ कराओ बाबा जी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुआ कराओ बाबा जी से। बाबा जी हमारे लिए भी दुआ करना। हाँ बाबा जी इनके लिए भी दुआ करें। हक बाबा हो, हक बाबा हो, हक बाबा हो, हक बाबा हो।
बाहर निकल। साजिदा मैं तुझसे कह रही हूं बाहर निकल। खाना कौन बनाएगा? ये सोचना तेरा काम नहीं है, जिसका घर है वो जाने। करवाली खाला बतूल के साथ जाके गंदम बनवा। उस दिन भी तो पकाया था ना, देखा मेज का कोना लग गया। वैसे भी आपी जी को पता चलेगा ना तो नाराज होंगी। मुझे यहाँ आपी जी ने ही भेजा है। निकल, चल निकल। मेरी तो जान छुट्टी। राणा बीबी कहती है खाना मैं आप पकाऊंगी। बड़ी को बगैरत है, इतनी मार के बाद भी कहती है खाना मैं आप पकाऊंगी। जानती है ना मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता। तो पागल ही हो गई है साजिदा। खाला तुझे एक बात बताऊं? बता। मर्द का ना तिल नहीं होता, तिल सारे काले सफेद छोटे बड़े औरत के पास ही होते हैं, और जो चीज होती नहीं है उस तक जाने का रास्ता तो पागल ही ढूंढते हैं। तू भी उम्र गवाई खाला। साजिदा मर जानिए, इतना हंस रही है, तेरी मां का निकाह है क्या? चल अंदर आ। आ गई आपी जी। मर्द का दिल नहीं होता तो फिर वो जिंदा कैसे रहता? तो सो बोला अब्बा जी मुझे गुलाम फरीद से बात करने दें। वो राणा पे बहुत जुल्म कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसने बताया तुम? पूरे इलाके को पता है अब्बा जी, जानवरों जैसा सलूक करते हैं वो राणा के साथ। अब्बा जी मेरा दिल बहुत दुखता है। मर्दों का दिल नहीं होता सिर्फ दिमाग होता है, दिल तो औरतों का होता है। अगर मलकाना बनना है तो इसे खुद निकाल के फेंक दे, इससे पहले कि इसकी नरमी से को फायदा उठाए। मैं बड़े भाई से नहीं हारा, गुलाम रसूल की मौत से नहीं हारा। राणा के दो आंसुओं से कैसे हार जाए? चला बैठ, बाजी लगाए, बैठ बैठ। ओ लेजी लड़की, सर चौहान की क्लास है, उठ जाओ। तुम नहीं होगी तो सर सबको पागल कर देंगे। नहीं मुझे नहीं जा रहा।
तो फिर मरो यहीं। मैं नहीं दूंगी तुम्हें कोर्स के नोट्स, खुद ही उनसे ले लेना। बात सुन, जब वो पकाएगी तो पहले तू खाएगी। आपका हुक्म इसी रांखों पे। लेकिन बात में लेकिन आ जाए तो दोनों ही मशकूक हो जाते हैं, बात भी और बात करने वाला भी। हाय हाय आपी जी, निके मियां पे कोई आफत आने से पहले मैं मर जाऊं, भला मुझ पे कैसा शक। तो फिर ये लेकिन क्यों? राणा बीबी है ना, वो बदला लेगी, बड़ी पक्की है, जहर से भरी हुई। आपी जी, मुझे तो निक्की मियां की बड़ी फिक्र खाती है, आप बस उनके लिए दुआ किया करें। मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। वो क्यों? मेरी दुआएं कबूल होती तो मुर्दे जिंदा हो जाते, मुर्दे जिंदा नहीं होते। आप किसी और से दुआ करा ले, इधर एक साईं आया है। क्यों? वो मुर्दे जिंदा करता। तौबा करें जी, अल्लाह के कामों में भला कौन दखल दे सकता है। आप उस साई से दुआ करें, खाला बतूल जानती हैं उसे, बड़ी पक्की मुरीदनी है उसकी। दूध में डालकर पिला दें, सवेरे से पहले आंख खुल गई ना तो जो चोर की सजा वो मेरी। कब तक जलील होती रहूंगी मैं, कब तक खुद को घिसाऊंगी मैं फरीद के कदमों में और कभी आप ही जी के पैरों में।